वैसे तो बॉलीवुड के जंगल में एक ही टाइगर है जिसका नाम है सलमान खान, लेकिन एक और छोटा टाइगर है जो टाइम टू टाइम सलमान खान को टक्कर देने के लिए आता है लेकिन एक मौके पर पीछे हट जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम है टाइगर श्रॉफ, और वो बड़े पर्दे के टाइगर भले ना हो लेकिन रियल लाइफ के टाइगर हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी फिल्मों की फ्रेंचाइजी है, और यही फ्रेंचाइजी सलमान खान की टाइगर के सामने आ रही थी और टाइगर वर्सेज टाइगर का सीन होते होते रह गया। एक्चुअली टाइगर 3 का मैसेज जिस दिन आया है उसी दिन गणपत का टीजर आने वाला था, और गणपत बहुत बड़े लेवल की मूवी है, इसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कृति सनन हो, और इसके डायरेक्टर भी बहुत बड़े लेवल के हैं जो इससे पहले क्वीन और शानदार जैसी मूवी बना चुके हैं। बहरहाल गणपत के मेकर नहीं चाहते थे अपने कैंपेन से वो टाइगर 3 के साथ क्लैश करें। इसके अलावा टाइगर 3 जिस दिन अपना मैसेज रिलीज कर रही थी उस दिन यश चोपड़ा का बर्थडे भी था, ऐसे में टाइगर्स के मेकर ने कहा कि हमें डेट दे दो, इसीलिए उनको पीछे हटना पड़ा और गणपत के टीजर को होल्ड करना पड़ा। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ के जो पिता जैकी श्रॉफ हैं वो भी सलमान खान से अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इसीलिए इस पूरे क्लैश को अवॉइड किया गया और टाइगर वर्सेस टाइगर की डिबेट को ट्रेन से बाहर कर दिया गया, वरना गणपत की मूवी को ज्यादा फायदा होता और शायद टाइगर 3 का मैसेज कैंपेन छुप जाता। अगर बात गणपत के कॉन्सेप्ट की करें तो एक तरह का डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर है जिसके जॉनर में हिंदी में बहुत कम फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी वगैरह। ऐसे में भारत के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां पर नई दुनिया दिखाई जाएगी, लोग बदहाल हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जस्टिस सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है, और ऐसे में बैटमैन की तरह गौथम सिटी का कॉन्सेप्ट पैदा किया गया है। अब गौथम की तरह मुंबई रखा गया है और यहाँ पर बैटमैन नहीं बल्कि गणपत आता है बिल्कुल बैटमैन स्टाइल में, तो गणपत की दुनिया में झांकने का मौका टाइगर 3 ने छीन लिया, हालांकि बाद में मौका पब्लिक को मिल गया। हालांकि इससे पहले भी टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आने वाली थी जिसमें सलमान खान की मूवी का क्लैश होना था क्रिसमस के वीकेंड पे, लेकिन वो क्लैश भी लास्ट ईयर बातचीत करके डिले कर दिया गया, यानी टाइगर वर्सेस टाइगर की डिबेट लगातार चलती रहती है, लेकिन इन मौके पर जूनियर टाइगर सीनियर टाइगर के आगे हथियार डाल देता है। और बॉलीवुड में ये उसूल भी है, जो सलमान खान यानी टाइगर से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, इसलिए शायद टाइगर श्रॉफ अपने पिता की बात मानते हैं और सलमान खान यानी फिल्मी टाइगर से दूर रहते हैं। वैसे भी कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा जहां पर टाइगर श्रॉफ से पूछा जाता है कि बॉलीवुड का असली टाइगर कौन है, तब खुद टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि भैया मैं तो मेमना हूं उनके सामने, असली टाइगर तो एक ही है, उसका नाम है सलमान खान। तो टाइगर वर्सेज टाइगर की डिबेट तो अभी डिले हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में मजा तब आएगा पब्लिक को जब दोनों टाइगर किसी मूवी के लिए कास्ट किए जाएं और दोनों ही अपने अपने डिफरेंट एक्शन जॉनर से अपनी बॉडी बिल्डिंग से पब्लिक को एंटरटेन करें, तब मामला टाइगर वर्सेज टाइगर नहीं बल्कि टाइगर विद टाइगर वाला हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।